श्री गोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशयं सुरं मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वैशिष्टभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूरेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने श्रीहरिः। मैया ने मैया से कहा, अब कन्हैया को भी आश्चर्य हो गया कि ये तो जरा सा ये मेरी अंजलि में ही था, ये तो ढेर कैसे लग गया इतना, वहां ढेर लग गया फल का। मैया ने भी देखा कि भी क्या बात हुई इतने फल, तो मैया के मन में आया कि नारायण इष्ट देव है ना हमारे, और इस बच्चे पर नारायण की बड़ी कृपा है, तो नारायण के लिए संभव क्या है वो पल भर में जो है सो कर दें। जो सृष्टि का उत्पादन करते हैं, संचालन करते हैं, संहार करते हैं वे भगवान यदि फलों को बढ़ाते हैं, कौन बड़ी बात है कि नारायण की कृपा से ही ये फल बढ़ गए। तो कन्हैया वो बोले, मैया आप देर क्यों, फिर ये सब आ गए हैं ना, अब सबको तू बांट दे, मैया सबको तू बांट दे। तो माता चामंदे नानंदेन कृतस्पंदेन करद्वंदेन तानि विभजंती तदंती कृतिम नाश साधक। मैया लगी फल बांटने पर फलों का अंत आवे नहीं, फल पूरे हो ही नहीं। मैया ने कहा इतना कल कई दिनों तक फल बांटे मैया ने, अब मैया को बड़ा आश्चर्य कि फल अनंत हो गए, अब अनंत के हाथ में आज अनंत हो जाए कौन बड़ी बात। और दूसरी बात, जिसने ये फल चखे स्वयं कन्हैया भी बोले, बोले मैया ऐसा तो स्वाद हमको कभी आया ही नहीं, और सब लोग बोले बोले ये तो बड़ा बड़ा सुंदर, ऐसा स्वाद ऐसे ही स्वादिष्ट फल है, ये बड़े चमत्कारी फल है भाई, ऐसा स्वाद तो कभी हमको मिला ही नहीं। अब तमाम गोप बालकों को मैया बांटने लगी। अब वो सुंदरियां आई कोई मथानी मांगने के बहाने, कोई किसी बहाने, तो रोज का काम था, किसी न किसी रूप में आया करती। एक दिन आई, एक आ करके देखा ये फल वल खा रहे हैं मजे में। अब ये फल खा रहे उसकी ओर ताका ही नहीं, ये तो अपना फल खाने में मस्त। अब वो बेचारी गूंगी होके खड़ी रही, तो एक दूसरी बोली, दासी बोली, बोले जाती क्यों नहीं यहां पर, नजर उजर लगा देगी, खड़ी खड़ी बहुत देर हो गई। कन्हैया की ओर देख रही, बोले नहीं जा रही हूं ना, ऐसे ही जा, चक्कर सा आ गया था, खड़ी रह गई। बोले अच्छा जा। बाहर निकली तो हार था मोती का, तो निकलने लगी तो हार वहीं पर तोड़ दिया, तमाम मोती बिखर गए श्याम सुंदर के आसपास वहीं पर आंगन में ही, तो मोती लगी बीनने। पर जाती क्यों नहीं, बोले जाऊंगा तो हार टूट गया, अब मोती छोड़ जाऊं ऐसे ही। तो घंटों लगा दी इसने,
अब मोती तो बीनने कब जो मोती की तरफ आंख हो तब आंख तो लेकिन श्याम सुंदर की तरफ उधर देखे। दासी ने कहा कि जाती नहीं, श्याम सुंदर बीच बीच में देख ले हंसे। तो मैया सब देखती चेष्टा। तो मैया ने कहा दासी से कि रोको राग मत, देखना वो हंस रहा है लाला, उसको सुख मिलता है इसके रहने से, इसकी परवाह नहीं है, उसको सुख मिलता है, लाला को सुख मिलता है ना, मत रोके इसको। और जो आवे सबको आन दिया कर, लाला हंसे तो बस, कोई आवे कुछ भी करे लाला हंसे। इस प्रकार से बड़ा सुंदर आनंद दे रहा है और ये सब आती हैं जाती हैं देख जाती हैं। ऐसा आनंद छाया है जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो एक दिन की बात नहीं, दो दिन की बात नहीं, ये रोज की बात, रोज की बात। एक लीला इस बीच में और है, वो गर्ग संहिता की है। ये दुर्वासा जी जो है ना, इनकी लीला दोनों की आती है। ये राधा रानी की तो कभी मौका होगा तो बताएंगे। राधा रानी को देखने भी ये गए थे और यहां नंदलाला के लिए भी आए थे। तो एक दिन की बात है, ये पधारे साहब, नंदरानी पीढ़े पर लिए बैठी थी। इतने में ये उतरे नीचे और खेलने लगे, तो दाऊ जी और ये दोनों मजे में खेल रहे। उनके खेल को देख देख कर और ये नंदरानी रोहिणी जी, ये बड़ी आनंद मग्ना बैठी। जननी मनन पीढ़ा पर निकट ललन तह खेलें, गुण मंदिर सुंदर तन सांवर अति आनंद मन मिलें। शरद इंदु राकेश बिनिंदक बदन रूप निध सोहे, ओतिन ओज मनोज मनोहर त्रिभुवन लख छवि मोहे। चंचल चलत चारु रतनारे ललित दृगन की आभा, मृग खंजन गंजन मन रंजन कहे कंज की काभा। अड़के छूट रही मुख ऊपर मंजु मेच घुंघरारी, कल कपोल बोलन मृदु खोलनी भ्रकुटी कुटिल पियारी। ये छवि चिते बिते दिन अपनो चित में और न आवे, जिन दृग रूप अमीर से चाचो कहो और क्यों भावे। इस रूप का रस जिसने चख लिया, उसके और रूप रस कभी मन में आता ही नहीं। ये रोज की दिनचर्या, रोज खेलें, रोज ये कभी कीड़ा करें, कभी बालू में ही ये खेलने लगें, कभी कुछ करें कभी कुछ करें, इस प्रकार इनकी खेल की लीला चलती रही। एक दिन की बात, ये पहुंचे बालू पर और लगे खेलने। अब यहां तो खेल ही है ना, तो श्याम सुंदर ने क्या किया, बालू की अंजलि भरी और दौड़ करके दाऊ जी बैठे थे उनके सिर पर वेट दिला। सीधाम बढ़ा था पाल, उसकी आंख में जरा बालू पड़ गई। अरे क्या किया क्या किया, तो सीधाम दौड़ा पकड़ने, तो ये भागे पीछे दौड़ा। वो उसने जाकर के जरा बल था, अब ये तो ये नहारे ने हरावे कौन, तो इनका मजा तो इनके हारने में जीतने में, जीते हुए तो नहीं है ये, जीतते रहे तो इनके जीतने में कोई आनंद नहीं, जीते हुए हैं। इनका आनंद तो हारने में ही है। तो दौड़ करके श्रीराम ने पकड़ लिया, तो सोचा कि आंख में बालू डाल देगा, तो दोनों हाथों से आंखें बंद कर ली और बालू पर लेट गए। अब वो हंस पड़ा, वो कोई दुख देने थोड़ा ही आया था। हंस हंस कर उसने इनके बदन पर पीठ पर बालू डालना शुरू किया। बोले ये तो कन्हैया पर बालू डाल रहा है, तो दाऊ जी दौड़े
भरा बालू का गमछा उसके सिर पर डाल दिया। अब तो उसने इनको छोड़ दिया और दाऊ से और बच्चों से भिड़ गया। इस अवसर में भाग गए, निकल के भाग गए। इस प्रकार खेल बस इसी यही अवसर था कि दुर्वासा जी अनुसुईया के पुत्र अत्रि ऋषि के बेटे ये पगडंडी से वहीं आ पहुंचे। देखा ये बालू खेल, आए थे दर्शन के अभिलाषा से, पर इनके मन में ये बड़े प्रेमी माने जाते हैं दुर्वासा जी, बड़े प्रेमी। राधा जी के यहां भी गए, ये बरसाने में भी बड़ी ललित कथा के स्वामी सुनाते थे, बड़ी ललित कथा वहां की। तो आए थे दर्शन करने के लिए, पर उस परात पर ब्रह्म को जिस रूप में देखा आज, तमाम बालू से बदन भरा हुआ धूल धूसरित, आंखों में बालू, सिर पर बालू और तमाम केश राशि, सिर के घुंघराले बाल तमाम बालुओं से ढके हुए और धूल में लोट रहे। तो धूल धूसर सर्वांगम वक्र केशम दिगंबरम धावंतम बालकै सार्धम हरिं वीक्ष सविस्मितः। डूब गए आश्चर्य में दुर्वासा जी, देखा कि श्याम सुंदर के सारे अंग धूल धूसरित हो रहे हैं, तमाम अंगों पर धूल लगी है, केश जो हैं ये टेढ़े मेढ़े सजाए हुए नहीं रहे, मैया सजाती रोज इस समय तो टेढ़े मेढ़े वक्र केश, टेढ़े केश हो घुंघराले और टेढ़े बाल थे ही, और दिगंबरम कपड़ा वपड़ा नहीं पहन रखा है, नंग धड़ंग जैसे ही, और बालकों के साथ कभी दौड़ते हैं कभी खेलते हैं, दौड़े जा रहे हैं साथ। देखा ये परात्पर ब्रह्म का ये रूप। अब ये झांकी सबको नहीं होती ना, सबके सामने रहते हैं भगवान योग माया समावृत, और प्रेमियों के साथ रहते हैं योग माया से अनावृत। वहां योग माया ढके रखती है और यहां योग माया खेल का सारा आयोजन करती है, ये अंतर है भला। वहां योग माया देखने वालों को ढक देती है, वो देख नहीं पाते, सामने रहने पर भी योग माया से आवृत भगवान नहीं दिखते। नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, और यहां योग माया उपाश्रता, योग माया यहां पर योग माया से काम लेते हैं, योग माया यहां पर सारा खेल का आयोजन करती है, किसको हटाना है किसको लाना है, क्या क्या खेल का आयोजन करना है, कौन सी सामग्री उद्दीपन सामग्री कौन सी यहां पर चाहिए, क्या चाहिए, कैसे सखा चाहिए, कैसी मंडली हो, कैसी भूमि हो, कैसा वातावरण हो, कैसे पुष्प हो, कैसी माला हुई, सारी चीजें योग माया करती। तो ये आए थे परात पर ब्रह्म को देखने, परात पर ब्रह्म ये दिखते हैं काहे से महाराज, परात पर ब्रह्म दिखते नहीं, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शी भी, बड़ी सूक्ष्म बुद्धि की आंखों से ये दूर से दिखाई देते हैं, पर इन्हें कोई आके यूं देख ले नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। पर यही परात पर जब उस यवनिका को दूर कर देते हैं और जब अनावृत होकर और सामने आ जाते हैं और उसके आंखों से भी पर्दा हटा लेते, तब वो अनावरण भगवान के रूप को निरावरण, ये कथा आ जाएगी चीरहरण के प्रसंग में, बड़ी सुंदर। अनावरण निरावरण भगवान को निरावरण लोग देखते हैं। तो ये अभी तक कुछ थोड़ा सा आवरण रहा दुर्वासा जी को, ये परात्पर ब्रह्म को देखने आए और देखा यहां पर इनको दिगंबरम वक्रकेशम धूल धूसर सर्वांगम इस रूप में देखा, बालकों के पीछे दौड़ते तो हरि वीक्ष सविस्मित आश्चर्य हुआ।
आनंद में नहीं डूबे, आश्चर्य हुआ। और इनके जो इनका हृदय तपस्या के द्वारा पवित्र हो चुका था, उस तपस्पूत मन में भी एक शंका पैदा हो गई, स ईश्वरोऽयं भगवान कथम बाले लुठन भुवि, अयम तु नंद पुत्रोऽस्ति न कृष्ण न श्री कृष्ण परात्परः। दुर्वासा के मन में शंका हो गई, मालूम होता है परात्पर ब्रह्म नहीं, भला ईश्वर भगवान परात्पर ब्रह्म ये बालकों के साथ नंगे और यो जमीन पर लोटे। किसी ने भूल से कह दिया कि नंद के यहां और परमानंद घन परात्पर ब्रह्म का प्राकट्य हुआ है, अयम तो नंद पुत्रोस्ति, ये नंद का बेटा ही है, न श्री कृष्ण परात्पर, ये परात्पर ब्रह्म नहीं है। ये शंका आ गई, शंका आते ही अब जहां संशया संशय आत्मा विनश्यति, भगवान संशय का रखेंगे नहीं। दुर्वासा मानो संशय के झूले पर बैठ गए, हिल गया मन, आवरण तो कुछ था ही, अब विक्षेप आ गया। कि तीन ही दोष होते हैं, मल विक्षेप आवरण, तो ऐसा भक्त लोग मानते हैं, कुछ प्रेमी लोग, कि जिन तत्वज्ञों का मल विक्षेप आवरण दूर हो चुका है और वो जीवन मुक्त जो हो चुके हैं, उन पर भी भगवान की मुनिमन मोहिनी माया से विक्षेप और आवरण आता है, भगवान के परात्पर सच्चिदानंद विग्रह के संबंध में। जगत ब्रह्म रूप है, इसमें उनके मन में कभी संदेह नहीं आता, इसके संबंध में उनके मन में चांचल्य नहीं आता। वे जगत की वस्तुओं को देखकर लालायित नहीं होते, उनका जो तत्व ज्ञान है वो तिरोहित नहीं होता, परंतु प्रेम का उदय न होने से भगवान की जो माया है, मुनिमन मोहिनी माया, ये माया उनके मन में विक्षेप और आवरण पैदा कर देती है, वो तत्व ज्ञानी भी यहां पर भगवत ज्ञान से वंचित रह जाते हैं, ऐसा मानते हैं। ये सिद्धांत की बात है, तत्व ज्ञानियों को भगवत स्वरूप के दर्शन हो ही जाए ये आवश्यक नहीं। तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी यदि पराभक्ति न हो तो तत्व ज्ञान में वो पूर्ण है, ये संकेत महाराज गीता में है भगवान का। ब्रह्म भूया कल्पते तक तो साधन है, फिर ब्रह्म भूतः प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, ये स्वरूप स्थिति बताई, ब्रह्मी भूत हो गया, ब्रह्म को प्राप्त हो गया, समदृष्टि हो गया, आकांक्षा और शोक मिट गए, इस प्रकार का भी हो गया, इसके बाद भी पराभक्ति की प्राप्ति अभी शेष रहती है। इसके बाद मद भक्तिम लभते पराम, सबको नहीं होती, जो उस पद के वांछा करने वाले होते हैं या प्रेमियों के संग से जिन तत्व ज्ञानियों में भगवत प्रेम की वांछा जागृती है, उनको ये सौभाग्य प्राप्त होता है पराभक्ति प्राप्त करने का, और उसके द्वारा भगवान का जो यथार्थ स्वरूप है, जैसा जैसा जो कुछ है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, इसीलिए भगवान का एक वाक्य है श्री गोपिकाओं के संबंध में, मन महात्म्यम मत सपरिया मत श्रद्धा मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्य जानन्ति तत्वतः। ये तत्वतः तत्वतः नहीं जानते, मनुष्याणां सहस्रेषु
किसी तथा सिद्ध इतता में भी सिद्धा नाम कश्चन माम वेत्ति तत्वतः तत्वतः माम वेत्ति सिद्ध हो गए। यहां पर अर्थ बदलना पड़ता है सिद्ध का, साधक अर्थ करना पड़ता है लोगों को, क्योंकि वो माम वेत्ति का अर्थ तो वो करते हैं ब्रह्म को जानना, और ब्रह्म को जानना अर्थ करें तो तत्व से जाना नहीं, ये बात आती नहीं, तो सिद्ध का अर्थ फिर क्या करें, वो करते सिद्ध का अर्थ साधक। यहां तो साफ है, हजारों हजारों में कोई एक यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों में जो सफल हो चुके इस साधन में, उनमें कोई कोई माम, ये माम शब्द है, यहां भी गीता में माम आया है महाराज, भक्त्या माम भी जाना आती यावान यश चास्मि तत्वतः माम तत्वतः, और वहां गोपिकाओं के लिए भी यही बात है, गोपिका ही तत्व से जानती है। तो ये महर्षि के मन में, महर्षि दुर्वासा के मन में भी ये प्रेम का उदय पूर्ण न होने के कारण से, ये परात्पर ब्रह्म को ही देखने आए थे ना, और परात्पर ब्रह्म के लक्षण इनके मन में मौजूद थे, इन्होंने लक्षणों से मिलाया। परात्पर ब्रह्म के जो लक्षण इनके हृदय में बैठे हुए थे, उन लक्षणों से भगवान श्याम सुंदर को मिलाया, मिलते हैं कि नहीं तो नहीं मिले, वो धूल में लौटता नहीं, वो नंगा लौटता नहीं, उसमें अज्ञान होता नहीं, वो रोता नहीं, वो इस प्रकार क्रीड़ा करता नहीं, वो तो अपने आप में अपने आप मस्त रहता है। तो सोचा ये वो नहीं, स्वयं तो नंद पुत्रोस्ति न श्री कृष्ण परात्पर, ये परात्पर कृष्ण नहीं। तो कहा भाई बात क्या है, बात यही है कि चाहे कितना ही बड़ा कोई हो, अनुसुईया जैसी सती के तो ये पुत्र रहे, और अत्रि के समान परम तपस्वी तेजस्वी के पुत्र थे, तो इनको बुलाया था कृपा करने के लिए, नहीं आते कैसे, कृपा दिन पर करनी ही है, इनके मल विक्षेप को तो मिटाना ही है। तो अब जरा और लीला में आगे बढ़ें, तो अरे बोले श्रीदाम बता तू हारा कि मैं हारा, खेल रहे थे ना। अब मुनि क्या करते, इससे इनको मतलब नहीं, इनको सर्टिफिकेट तो लेना नहीं है कि तुम ब्रह्म हो कि नहीं हो। तो श्रीदाम ने कहा कि तू ही हारा, मैं कैसे हारा, तो नहीं बोले तू हारा। तो ये हंसते हुए बोले श्याम सुंदर, बोले अच्छा देख, तो साधु बाबा बैठा है ना, साधु बाबा तू देखता है, हाँ बोले देख बोले, बोले चल उससे पूछ ले, बाबा से पूछ ले कि कौन हारा, वो तो देख रहा था ना बैठा बैठा सब साधु, तो उससे पूछ ले कि कौन हारा, ये संदेह में इनका हृदय आंदोलित है, संदेह के हिंडोले पर झूल रहा है मन, तब भी वो मुनि हैं, तपस्वी हैं, बाहर की शांति, एक कदम्ब का पेड़ था उसकी छाया में चुपचाप महर्षि शांत खड़े हुए हैं, बड़ी गंभीर मुद्रा है, सोच रहे हैं कि कहीं भूल तो नहीं गया मैं, परात पर ब्रह्म की लीला चल रही हो और मैंने संदेह तो कर नहीं कर लिया, गंभीरता से विचार रहे हैं, और तमाम अंगों से मानो तेज झर रहा है, निकल रहा है, नेत्रों में भी एक विचित्र आभा है, भगवान पास आए, अब पास आए, अब बदलने लगा इनका, पास आए वो समीप आए कि बदलने, शरीर में कंपन आए, और ये सुंदर कांप में उठा, जनक के मन में हुआ था बड़े आंसू क्यों आ गए मेरे मन में, और ये क्या हो गया, रोमांच क्यों हो गया, तो इनका शरीर कांपने लगा, जो गंभीर मुद्रा थी वो चंचल हो गई, यूं देखने लगे और वो भगवान श्री श्याम सुंदर के अंगों की दीप्ति में
इनके सारे अंगों के दीप सारा तेज मानो उसके अंदर जाके समा आ गया। अब इनके एक स्थिति निर्वचनीय हो गई, ये अब सोच नहीं सके, अब वो सारी बात भूल गई। अब इनको अपनी दशा पर आश्चर्य है कि ये हो क्या गया, अरे मेरे तो आंखों से आंसू आने लगे, छलक पड़े आंसू, दुर्वासा के नेत्रों से शरीर में रोमांच हो आया। तो पास जा, इतने पास पहुंच गए श्याम सुंदर, बोले साधु बाबा, ए साधु बाबा बोलते क्यों नहीं, साधु बाबा दूसरे राज्य में पहुंचे, अरे बोले बाबा सुनता है कि नहीं, क्या है, बोले बता सुदामा ये सीधा महारा के मैं हरा। अब यहां कोई गंभीर तात्विक दार्शनिक बात नहीं है। अब महर्षि तो आंख फाड़े देखने लगे, उधर देखते ही रह गए। अब उनके मुंह से उत्तर निकले या नहीं, हृदय विगलित तो हो गया। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि बोलता क्यों नहीं। इतने में क्या दशा हुई कि मुनि का जो कंपन हुआ हर्ष के मारे, तो सोचा गिर पड़ेंगे, खड़े थे ना, तो खड़े रहने की शक्ति नहीं रही, गिरते हुए से उसी तिलिन की बालू पर बैठ गए, मेराज बैठ गए। जब बैठ गए तब देखा इनको तो प्रेम देना ही है, तो नन्ही नन्ही अपनी भुजाओं को उठाया, धीरे से उठे, गोद में जाके बैठ गए। तत्काल गोद में बैठ के ठोड़ी पकड़ी, बोले बाबा बताता क्यों नहीं, तू बोलता क्यों नहीं, श्रीराम हरा कि मैं हरा। अब स्पर्श प्राप्त हो गया, दर्शन प्राप्त हुए, सानिध्य प्राप्त हुआ, अब स्पर्श प्राप्त हो गया, कोई उत्तर नहीं मिला। अब क्या उत्तर मिलता, अब तो मुनि का ढंग दूसरा हो गया, क्या उत्तर मिलता, मुनि चुप। तो ये बोले, अरे भैया देखो ये तो साधु, तो शायद इसको बोलना आता नहीं मालूम होता है, गूंगा है, अथवा नहीं बोलता होगा, बड़ा घमंडी होगा, बोले साधु हैं नहीं बोलता होगा, चलो चले चले। यूं कह करके श्री कृष्ण हंस पड़े। अब ये चौथी चीज हुई, मुनि पास आए, फिर ये मुनि के सानिध्य में आए, मुनि की गोद में बैठे और मुनि को देखकर हंस पड़े। अब ये इनकी जो हंसी, ये बालीला की हंसी तो थी ही, पर ये हंसी दुर्वासा के नेत्रों के लिए दूसरे भी थी, ये योग माया की हंसी थी। ये मुनिराज को मानो परात पर ब्रह्म का साक्षात कराने के लिए अधरों पर हंसी आ गई, ज्ञान सारा का सारा हंसी के रूप में प्रकट हो गया। और हंसते हंसते दुर्वा साहब को भी कुछ शेष था, भगवान हंस रहे, मुंह बाया हुआ, जोर से हंस रहे ना, खिलखिला करके। दुर्वासा जी देखते ही देखते मुख विवर में प्रविष्ट हो गए, भगवान के मुख विवर में दुर्वासा प्रविष्ट हो गए, योग माया ने कपाट लगा दिया, हंसी बंद हो गई। हंसी तो इसीलिए थी ना, दिखाना है इनको कि ये क्या है, ये क्या है, ऐश्वर्य दिखाना है, क्या है ये। दुर्वासा ने अब देखा अंदर, भई हम कहां हैं, हैं? ये विशाल लोक है, ये कहीं तो कोई है नहीं, ये जंगल है, जंगलों को पार किया प्राणी नहीं दिखते रहे, ये क्या है, ये तो विशाल समुद्र है, ये सातों लोक हैं, ये द्वीप हैं, सप्त पाताल हैं, कहां कहां भ्रमण कर रहे, करोड़ों वर्ष बीत गए, अनंत सागरों की अनंत तरंगे उठ रही हैं, इसका अंत कहां। फिर सोचा कि मेरे में तो हजारों युग बीत गए और इस जल राशि में बह रहा हूं, डूब रहा हूं, समाधि में हो गया था, अब उत्थान हुआ है, नहीं नहीं सब सब जलमय है, अब मैं
कहां जाऊं, ये अंदर छिद्र है, इसमें प्रवेश करूं। अंदर घुसे देखा ये क्या हो गया, ये तो दिव्य सृष्टि है, ये काल मान से न मालूम कितनी आयु बीत चुकी, ये कोटि कोटि ब्रह्मांड यहां पर मानो ये बूंदों के समान तमाम बह रहे हैं। ये तो तमाम मणियों के ही तमाम लोक हैं, तमाम मणियां हैं, रत्न ही रत्न हैं। अरे ये तो मैं गोवर्धन में आ गया, गोवर्धन में आ गया, ये वृंदावन आ गया, और ये वृंदावन के ये नवीन नवीन सुंदर सुंदर वृक्ष, ये नव पल्लव नव पुष्पों से सुशोभित, ये मंदार, ये चंदन, ये चंपक, ये आम्र, और ये देखो ना कैसे कैसे सुंदर पुष्प लगे हैं, ये भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, ये बढ़िया। और ये अरे ये तो जमुना बह रही है, कालिंदी बह रही है, ये गोलोक धाम है, गोलोक धाम में आ गया। वहां सच्चिदानंद वह उन मंदिरों को देखा, तमाम लोग देखे, वो एकादश द्वार हैं, श्री राम वहां पर हैं, ये तमाम गोपांगनाएं कोटि कोटि वहां पर गोपांगनाएं हैं, तमाम जय ध्वनि हो रही है। इतने में श्याम सुंदर दिखे और श्याम सुंदर हंस रहे हैं, देखा श्याम सुंदर हंस रहे हैं, ये हंसी का है ज्योत्सना है, हंसे फिर हंसे, मुंह खुला बाहर आ गए। ये बड़ा लंबा वर्णन आता है क्या क्या देखा उन्होंने, मुख विवर से बाहर आ गए, आंख खोल के देखा तो गोलोक नहीं, वही 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 ब्रजपुर है, वही यमुना का तटवर्ती वो बालुकामय स्थान है, ठीक वही लीला स्थली है, वो श्री कृष्ण सखाओं के साथ वही खेल रहे हैं और वैसे ही हंस रहे हैं। सारा संशय निकल गया, जो निश्चय था कि ये परात्पर ईश्वर नहीं है। देखो ना मेरा कितना सौभाग्य, मेरी गोद में आ गए और हंसने लगे, और इतने छोटे से मुख विवर में मैं प्रवेश कर गया, मैंने क्या क्या देखा। मुनि की अंजलि बंध गई, हाथ जुड़ गए, और उनके सामने ही वो उस भूमि पर लोट पड़े। मुनि ने वहां की उठा उठा करके धूल अपने ऊपर डालनी शुरू की और फिर प्रणाम करने लगे। बालम नवीन शतपत्र विशाल नेत्रम बिंबाधरम सजल मेघरुचिम मनोज्ञम मंदस्मितम मधुर सुंदर मंदयानम श्री नंद नंदनम हम मनसा स्मरामि मंजीर नूपुर नवरत्न कांची श्रीहार केसरी नख प्रतियंत्र संघम दृष्ट्यार्तिहारी मशि बिंदु विराजमानम वंदे कलिंद तनुजा तट बालकेलम पूर्णेन्दु सुंदर मुखोपरिकुंचिताग्राह केशा नवीन घन नील निभास्फुरंतः राजन्त आनत शिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। नवीन नवीन सुंदर कमल के समान जिनके नेत्रों विशाल नेत्रों की परम सुषमा शोभा है, बिंब फल के समान जिनके अरुण अधरोष्ठ हैं, जिन पर मंद मंद हंसी छाई हुई है, ये नए नवनील नीरद घनश्याम ये उनके बदन की कांति है, सुंदर उनका बालक वेश है, वो मधुर मधुर मंद गति से चलते हैं। मैं इन नंद नंदन को प्रणाम करता हूं। जिन भगवान के श्याम सुंदर के चरणों में नूपुर बज रहे हैं, जिनकी जिनके कमर में मैया ने बड़ी सुंदर करधनी रत्नों की नौ रत्नों की बांध दी है, जिनके गले में मैया का पहराया हुआ सुंदर हार है, उस हार में बाघ के नख मैया ने लगा दी है, नजर न लग जाए, और मैया ने
जिनके मस्तक पर काजल का टीका लगा दिया है मसी बिंदु, कहीं दृष्टि दोष न हो जाए। इस प्रकार के इस कलिंद थन या यमुना जी के तट पर विविध प्रकार की मनोहर बाल लीला करने वाले इस परम सुंदर नंदलाल की मैं वंदना करता हूं। नंद नंदन के अब वो पराग प्रणाम नहीं लिया यहां पर, यहां कहीं स्तोत्र में कहीं भी पराग पर ब्रह्म के का नाम नहीं है, नंद नंदन के स्वरूप का सौंदर्य का है। फिर बोले कि ये पूर्ण चंद्रमा के समान जिनका सुंदर मुख है और जिस मुख पर घुंघराली अलकावली छाई हुई है, सुंदर काले काले घुंघराले केश बिखर रहे हैं जिनके श्री मुख मंडल पर, ऐसा मालूम होता है इन केशों को देख करके कि मानो नए नीले मेघों की नीलिमा हो, सुंदर सुचिकण हैं इन श्री कृष्णचंद्र के चरणों में जो सिर झुका देते हैं, उनके लिए ये कुमुद के भांति शीतल बन जाते हैं। मैं इन्हीं को नहीं बलराम जी को भी और इनके साथी सब के सब इन गोप बालकों को भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। मुनि के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी, खड़े हो गए, भगवान का संकेत मिला, चल पड़े कृष्ण कृष्ण रटते हुए बद्रिकाश्रम की ओर। तप करने के लिए नहीं, एकांत में जाकर निरंतर श्री कृष्णचंद्र के ध्यान में मग्न रहकर उनका नाम गुण कीर्तन करने के लिए यशोदा मैया आ पहुंची। अब तो ये इन्होंने भुला के भेज रखा था ना, यहां दुर्वासा के साथ लीला करनी थी, बहुत देर हो गई, मैया ने देखा कहां खेरवेल गए हैं, तो वो मैया आ गई, गोपीशु भी आ गए। मैया ने आंचल फैलाया अपना और आंचल फैला करके गोद लिया, फिर घर ले गई, स्नान करवाया, कपड़े पहनाए, कलेवा करवाया और दूध पिलाया, फिर गोद में लेकर के मैया ने सुला दिया, कहा बेटा सो जाओ, आलस आ रहा था, दूध पी के सो गए, ये अंतिम झांकी का पद सुन लीजिए। हरिओम। बलमोहन गो अलसानी बलमोहन अलसानी तो ये भागवत की कथा में नहीं कहता, तो ये महान भाव टीकाकार हैं वैष्णव तोषणीकार और लोग, इन लोगों के भावों को लेकर अपने ये भगवत चर्चा सत्संग करते हैं। तो भगवान की मधुर लीला में हम लोगों का ध्यान लगा रहे और ये लीलाएं हमारे मनों में प्रविष्ट हो जाएं और इनका चिंतन जीवन में होता रहे, ये बस इसीलिए चर्चा करना है। तो कल फल बेचने वाली के सौभाग्य की बात हुई, उस चांडालिनी को श्री कृष्ण ने माँ कहा, उसकी गोद में चले गए। वे जात पात धन विद्या वर्ण वर्ग कुछ नहीं देखते, केवल प्रेमाधीन है, ये उन्होंने बताया। इसके बाद भगवान के श्याम सुंदर के कुछ खेल की चर्चा हुई, वही चर्चा अभी चल रही है, सुखदेव जी महाराज उसी का वर्णन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सरित्तीय गतम कृष्णम भगनार्जुन मथा भगत रामं च रोहिणी देवी क्रीडंतम बालकैर्भृशम। सूत्र यहां से,
खेलते खेलते कभी ये चले जाते हैं यमुना के तट पर। अब वो आगे बढ़ने लगे, जाने लगे, कुछ बड़े हो गए ना। अब घर पर ही रहकर इनका खेलना इनके लिए पर्याप्त नहीं होता, संतोष नहीं देता। बाहर जाते हैं बच्चों के साथ खुले मैदान में बालुका पुलिन पर, तो मजे में खेलते हैं। अब पर वो अभी तक बालकपन है और ब्रजरानी का जो स्तन्य है, मधुर स्तन का वो रस दूध, जिस जो केवल प्रेम से स्नेह से ही बना हुआ है, अमृत है, उसकी भूख नहीं मिलती, तो बीच बीच में आकर स्तनपान कर लिया करते हैं। तो बच्चे ताली देते हैं, हंसते हैं, इतना बड़ा हो गया अभी तक दूध पीता है, खाता तो है, कलेवा भी करता है, पर रहरा रहा नहीं जाता। तो मैया एकदम समझाने लगी, देख बेटा अब तू बड़ा हो गया और अब तू बार बार आकर के इस तरह से तू आंचल में घुस जाता है, स्तनपान करने लगता है। ये देख बच्चे हंसते हैं। जसुमती का नहीं यह सिखावत, सुनहु श्याम अब बड़े भये तुम, यह कई स्तन पान छुड़ावत। ब्रज लरिका तो ही पीवत देखत हंसत लाज नहीं आवत, जइहे बिगर दांत ये आछे ताते कई समझावत। अजहू छाड़ कहो कर मेरो ऐसी बात न भावती, सूर श्याम यह सुन मुस्काने अंचल मुखई लुकावत। सूरदास जी ने बड़ी सुंदर झांकी देखी, उन्होंने कहा कि मैया एक दिन ये आए, दौड़े आए और दौड़े आकर के वक्षस्थल का वस्त्र खींच लिया, मुखचंद्र अपना उसमें छिपाए लिया और स्तनपान करने लगी। तो मैया समझाने लगी, सिखाने लगी कि देख बेटा अब तुम बहुत बड़े हो गए हो, अब जब तुम इस प्रकार से स्तनपान करते हो तब देखो ना, ये तुम्हारे साथी सब ये आ करके ताली पीटते हंसते हैं तो तुमको लाज नहीं आती, और देख बेटा ये जब तक दांत नहीं आते तभी तक ये दूध पिया जाता है, नहीं फिर इस दूध से दांत बिगड़ जाते हैं, तुम्हारी जो सुंदर सुंदर दतुलियां हैं ये सब खराब हो जाएंगी, तो मेरी बात मान ले और अब तू छोड़ दे। पर मैया की बात सुन करके वो मुस्कुरा दिए और आंचल में मुंह छिपा लिया अपना। यूं बस दूध पीने लगे, इतने में ही तो सब सखा दौड़े आए, सुबल श्री राम और उज्जवल और बसंत और तोक और वो मधुमंगल सब के सब। तो आके जब उन्होंने पुकारा, वो हो मचाया, तो अब कौन गोद में रहता, अब तो खेल की बात हुई, सो गोद से उतरे और भाग छूटे। अब वो भगवान श्री श्याम सुंदर के श्री अंगों का जो तेज चारों ओर फैल रहा, माता उसको देख करके उसके नेत्र माता के निस्पंद हो गए, थकित रह गई। अजर पद प्रतिबिंब राजत चलत उपमा पुंज, प्रति चरण जनु हेम वसुधा देत आसन कंज। सूर प्रभु की निरख शोभा रहे सुर अवलोक, शरद चंद चकोर मानो रहे थकित बिलोक। जा पहुंचते कालिंदी के तट पर, वहां बड़ी धमा चौकड़ी मचती, कोई हिसाब किताब थोड़े ही था और न कोई छोटे बड़े का ख्याल। छोटे बड़े का ख्याल हो तो भगवान अपना वैकुंठ में रहे, गोलोक में कहीं रहे जहां पूजा ही पूजा होती रहे। ये भगवान पूजा से उब जाते हैं, पूजा कराते कराते, क्योंकि वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में तो सभी लोग हाथ जोड़े रात दिन स्तवन करते हैं, पूजा करते हैं, कोई डांटता डपटता नहीं, कोई बराबरी करता नहीं, कोई पास आके बैठता नहीं, कोई माँ वहां मिलती नहीं, कोई मित्र वहां वैसे रहते नहीं,
तो वहां जो ये विचित्र क्रीड़ा होती है भगवान के लीला धाम में, ये नित्य वैकुंठ धाम में नहीं हुआ करती।